हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आप सभी से पूछने वाला हूँ टोटल 20 ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा यहाँ पे, और उन 5 सेकेंड में आपको आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन में से कितने का जवाब आपके पास सही सही है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, इनमें से खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। समय स्टार्ट होता है अब। तो सही आंसर होगा सरसों। सरसों खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है डल, बुल्लर, लोकटक, पुष्कर। सही आंसर होगा बुल्लर। बुल्लर मीठे पानी का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, या पुलिकट केरल। सही आंसर होगा सी कोलेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, गद्दी लोक निवासी है किस राज्य के? ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, या मेघालय की। सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, माही, या कृष्णा। सही आंसर होगा सी माही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। सही आंसर होगा सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्त किस्म का कोयला है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। सही आंसर होगा डी भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, या कृष्णा। सही आंसर होगा सी नर्मदा। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप रोक सकते हैं, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 कि जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 20.8%, 25.7%, 27% या 31.2%। सही आंसर होगा टी 31.2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, भू क्षरण रोकथाम से, दुग्ध उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से। सही आंसर होगा सी दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन है भांबर, वांगर, खादर, या तराई। सही आंसर होगा बी बांगर, बांगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, या त्रिपुरा।
सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। सही आंसर होगा डी, कैलाश पर्वत से। सही आंसर होगा ए, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। सही आंसर होगा बी, बलित पर्वत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, नेपाल या भूटान। सही आंसर होगा बी, म्यांमार। म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मुझे आशा है कि आप सभी ने 20 में से कम 15 का सही आंसर दिया होगा। अब चलिए अपना अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितना कितना स्कोर आप सभी का आ रहा है, और इस तरह के और भी सेशन देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट किस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।